देखिए अभी वर्तमान में जो हम अभी आपत्ति भेज रहे हैं ये एक्चुअली कृषि गतिविधियों पर भी आर्थिक आघात करने जा रहे हैं। जितनी कृषि कार्य से रिलेटेड गतिविधियाँ होती हैं, चाहे जल पंप हो, चाहे अपने अन्य जो भी होते हैं कृषि कार्य में जितने भी चीज़ें उपयोग होती हैं, तो उसके लिए अभी तक एक सब्सिडी मिलती है और 750 यूनिट पे 540 पैसे प्रति यूनिट की टैरिफ से ये पैसा लेते हैं और एक 68 रुपये का फिक्स चार्ज इस पे होता है। अब इन्होंने अपने नियामक आयोग को जो याचिका भेजी है उसमें इसमें भी रिवाइज करने का प्रस्ताव भेजा है, इसको बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। ये जो 540 पैसे लगता है प्रति यूनिट, इसको बढ़ाकर 575 पैसे प्रति यूनिट करें, यानी 35 पैसे की बढ़ोतरी प्रति यूनिट हो जाएगी। फिक्स चार्ज भी 68 रुपये से बढ़ाकर 82 रुपये करने का प्रस्ताव इन्होंने किया है। तो हमारी आपत्ति है कि वैसे ही जो हमारा अन्नदाता है वो किसी न किसी रूप में परेशान रहता है, उसको मौसम की मार होती है, कभी किसी अन्य प्रकार की खाद महंगी मिलती है, अब आप बिजली को भी बढ़ा दोगे तो उसकी कमर पर एक भयंकर कुठाराघात होगा, इसका हमने विरोध किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये सब्सिडी भी अब विशेष शर्तों के तहत मिलेगी, ये उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके यहाँ पर ISI मार्क का पंप हो, उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके यहाँ PVC पाइप हो। तो ये एक क्यों नई चीज़ आप थोप रहे हो किसान के ऊपर, इसका हम विरोध करते हैं और माननीय नियामक आयोग से अनुरोध करते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें और इसको मंजूरी ना दें। किसानों को तो जितनी राहत मिल सकती है उतनी राहत देना चाहिए, क्योंकि हमारे अन्नदाता हैं और हमारे देश के विकास में इनका बहुत बड़ा योगदान।